देखो संजय बोले जी हमारे ये आ रहे हैं। संजय बोले जी ये मेरे पास ही आ रहे हैं। बोले जी संजय बोले कावड़ बंधी हुई है संजय बोले जी के। जय बोले जी। जय बोले जी। और बोले जी कैसे हो? ठीक बस ठीक है। हाँ हो? ठीक है। जय बोले जी। वीडियो बना रहे हैं और संजय बोले जी को मैंने कैमरा दिया है और संजय बोले जी मेरी वीडियो बना रहे हैं। और मैं आपको अभी ये मनेरी बांध दिखा रहा हूँ। ये मनेरी बांध है, यहाँ बिजली का उत्पादन होता है और ये काफी इस बार गंगा को रोका हुआ है, नहीं तो बाण गंगा और भी तेज जाती। जय बोले जी। मैं बोले जी को बोलूंगा कि ये कैमरा जरा पहाड़ों की तरफ भी मारे, जरा ये पहाड़ों की तरफ भी मारे और ये सारे बादल वादल जो दिखाई दे रहे हैं सामने, इनको भी जरा जूम करके ले ले, हल्का फुल्का जूम करके ले ले, ये सारी वीडियो दिखाएं ताकि वीडियो का यहाँ का सौंदर्य आपको दिखाई दे सके। बोले जी जरा इस पार्ट में भी आ जाओ, जरा घूमते ऊपर तक चोटी दिखा दो, पहाड़ों की चोटी भी दिखा दो। बोले जी बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। जय बोलेगी। देखो बड़े पहाड़ों पे बादल छाए हुए हैं। चलो बोले जी। जय बोलेगी। जय ये दो बोले आ रहे हैं हमारे, बड़े मस्त होके आ रहे हैं। बोले जी दो बोले जी हमारे आ रहे हैं, बहुत मस्त होके आ रहे हैं। बोले जी जय बोलेगी। जय बोलेगी। बोले कहाँ जाओगे बोले जी? मेरठ जाओगे बोले जी? अच्छा बोले कैसा रहा है सफर? बढ़िया। जय बोलेगी। जय बोलेगी। अब ये देखो शिवर दिखाई दे रहा होगा आपको। अब हम यहाँ थोड़ा विश्राम करेंगे, विश्राम करने के बाद आगे उत्तरकाशी के लिए निकलेंगे और इस शिविर में क्या क्या खिलाएंगे ये मैं आपको अंदर ले जाके दिखाऊंगा। जय बोले। बोड़ों के लिए क्या क्या व्यवस्था है वो यहाँ लिखा हुआ भी है, मैं और भी जूम करता हूँ थोड़ा सा। देखो इसमें आप निःशुल्क देसी घी का भोजन मिलेगा, गाय का दूध मिलेगा, चाय नाश्ता चिकित्सा सुविधा आदि, पानी की व्यवस्था विश्राम की व्यवस्था सारी व्यवस्था पाई लिखी हुई है इन्होंने। और हम अब शिविर के अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या व्यवस्था है। जय बोलेगी। जय ये शायद जो गेट के पास खड़े हुए हैं ये शिविर के कार्यकर्ता लग रहे हैं। चले बोले जी। आओ बोले जी साहब। चलो संजय बोले जी। जय बोलेगी। बोले जी आपका भंडारा किस श्रीनगर सारे कुछ बड़े भंडारे में क्या क्या सेवा करते हो घोड़ों की? घोड़ा की सेवा का कोई हिसाब नहीं, छोले भटूरे टिक्की पापड़ी दही भल्ले वर्त का समान सब सौदा है। जो ये शिविर कब से लग रहा है आपका? 23 साल से। 23 साल से शिविर लग रहा है घोड़ों का। श्रीनगर वालों का है जी? हाँ श्रीनगर वालों, दिल्ली वालों, श्रीनगर वालों का बोले का भंडारा है ये। चलो आओ देखते हैं भंडारे में क्या क्या है। आओ जी आओ खाएंगे। आइए आप देखिए यूट्यूब पे डालेंगे बोले जी आप। आ जाओ बोले जी। हाँ बहुत सामान है। ये बोले जी बोला के लिए गरम गरम कटोरे बन रहे हैं। आ जाओ बोले जी।
आते जाओ बोले जी आगे आयो बड़ा आयो बैठो बड़ा ये बोले जी टिक्की बना रहे हैं ये टिक्की बना रहे हैं बोले जी दही वही घेर के और टिक्की भी तल रहे हैं और ये हमारे बोले जी मेरठ वाले भोजन कर रहे हैं अभी रास्ते में मिले थे ये बोले मनेरी के पास बांध के पास इनसे पूछा था ये बोले कर रहे हैं भंडारे भोजन चक रहे हैं बोले जी हमारे मेरठ वाले बोले उधर बोले टिक्की उक्की खा रहे हैं वहाँ भी जरा कैमरा लेके चले जाओ आप जरा चलो आगे लोग बैठे हमारे ये महाराज जी हमारे ये हमारे महाराज जी है जो है चौदह घंटे ये हमारे खालसा सिंह के सेवा के प्रधान है चौबीस घंटे हम क्षेत्र चलाते हैं यहाँ जी क्या बोल रहे बारह महीने चौबीस घंटे हम क्षेत्र चलाते हैं बाबा बालकनाथ जी बाबा बालकनाथ जी हैं ये हाँ जी यहाँ के क्या बोलेगी बारह महीने आश्रम चलाते हैं हम क्षेत्र चलाते हैं ये लोग जिनकी लोग जी महाराज जी आगे मारेंगी बाबा बड़ा उधर करिए इधर से ले सामने से ले ले बोलोगे भी ले ले जरा जो बोले जो भोजन वोजन कर रहे हैं सब हाँ उत्तरकाशी से हम केदारनाथ वाले रोड पे निकले आए हैं और हाँ लगभग हमें एक घंटा हो गया चलते हुए इस रोड पे और धूप तेज है और पानी कहीं है नहीं हमारा संजय भोले एक झरने से देखो कैसे बोतल पे पानी भर रहा है बूंद बूंद पानी को बोतल में ले रहा है और एक झरना आ रहा है मगर उधर जा नहीं सकते कोई जानवर का डर है क्योंकि दूर है झाड़ियाँ उगी हुई हैं इसलिए हम वहाँ पे जा नहीं पा रहे अब मैं पानी पी रहा हूँ वीडियो बना रहा है ये हमारा संजय बोले मेरी वीडियो बना रहा है जय बोलेगी बोले जरा उधर इधर उधर भी मार लो कैमरा जरा घाटियां दिखा दो नीचे का गांव दिखा दो ये गांव आ रहा है और ये रोड वोड भी दिखा दो जरा पहाड़ियां दिखा दो ऊपर की सारी कितने एकांत में हम जा रहे हैं कोई भी कावड़ियां यहाँ पे नहीं है रोड के रास्ते से केदारनाथ के लिए ठीक है बोले जी आज की यात्रा हम मानपुर से कर रहे हैं जो कि उत्तरकाशी से लगभग 12-13 किलोमीटर ऊपर है और आज की यात्रा हम यहीं से आरंभ करेंगे आज रात को हम यहाँ विश्राम किए थे उसको मैं आपको दिखा रहा हूँ जय बोले जी बोले जी आपका क्या नाम है हाँ जी हाँ जी बसंत प्रकाश जी कब से रह रहे हो यहाँ पे हम लोग बहुत पुराने हैं यहाँ से बहुत पुराने हैं जी लगभग कितने साल से जन्म से या जन्म से बाप दादा भी यही होंगे बाप दादा भी अच्छा गांव कैसा है आपका ये गांव ठीक है बढ़िया चलो आपका रिहायश भी बढ़िया जो आज आपको हमने आपके लिए गुजारी जी जी गाँव अच्छा है गाँव अच्छा ये इनका निवास है जिसमें हम ठहरे थे ये कमरा है जिसमें संजय जी चाय पी रहे हैं इस टाइम बैठ के अब चलने की रवानगी कर रहे हैं हम और मैं अब आपको जरा
दिखाता हूँ, रोड पे बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है और बादल नीचे उतरे हुए हैं। देख रहे हैं बादल, बिल्कुल पहाड़ नजर आ नहीं रहे, बिल्कुल भी पहाड़ नजर नहीं आ रहे और यहाँ पे बिल्कुल धुंध, बादल बिल्कुल नीचे आए हुए हैं, पहाड़ों का पता ही नहीं लग रहा कि पहाड़ कहाँ पे है। बिल्कुल खाली है, रोड बिल्कुल इस टाइम खाली है। जय भोले की। ये मैंने जूम कर दिया काफी, वो सामने आप जो देख रहे हैं वो उत्तरकाशी के मकान दिखाई दे रहे हैं, दिख रहे हो तो आपको उत्तरकाशी के मकान है ये सारे, और उत्तरकाशी यहाँ से कोई लगभग 20-25 किलोमीटर है। और संजय जी हम ये जंगल में चल रहे हैं, जंगलों के बीच में चल रहे हैं, रोड से कोई भी वीराना है, इस टाइम 7:45 का टाइम है और कोई भी गाड़ी या कुछ भी नहीं आती है। और संजय जी एक गाड़ी आ रही है, और संजय जी कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा बोले जी। और थकावट? थकावट नहीं है, रात को आराम करके चले ना। अच्छा बोले जी, आओ जी इधर, जरा इधर चलो। जय बोले जी। हाँ ये बादलों के पीछे जी ले बोले जी, बादलों के पीछे भी ले बोले। जय बोले जी। जय बोले की, जय बोले की। और बोले जी गाड़ी आ रही है, गाड़ी आ रही है, एक गाड़ी आ रही है, जीप आ रही है। जय बोले की। लो बोले जी पकड़ना जरा। जय बोले की। देखिए वहां पे सामने बिल्कुल बादलों के नीचे जो दिख रहा है, मकान दिख रहे हैं, वो उत्तरकाशी है। और हम वहीं से घूमते घूमते पहाड़ों के से ऊंचाई से चलते आ रहे हैं, अभी कंटिन्यू चढ़ाई मिल रही है हमें, और मेरे ख्याल लगभग हम 20 किलोमीटर तक चढ़ चुके हैं चढ़ाई पे, और चौरंगी जब जब पहुंचेंगे उसके बाद चढ़ाई खत्म होगी है। और संजय भोले जी मेरी वीडियो बना रहे हैं। आज सुबह हम चले हैं कोई 6 बजे के करीब, और अब 7:45 का टाइम हो रहा है, और आगे की यात्रा हम केदारनाथ के लिए जा रहे हैं रोड से, और जो भी रास्ते में कुछ भी ऐसा होगा आपको दिखाने की हम कोशिश करेंगे। जय भोले की। भोलेनाथ, जय हो भोलेनाथ की। जय भोले की। जय भोले की। जय भोले की। जय भोले की। और भोले जी कैसे हो? बढ़िया। बढ़िया हो? अभी रुके रहो, फिर मेरी भी वीडियो बनाना भोलेनाथ। देखो भोलेनाथ जी क्या, पहाड़ी पहाड़, पहाड़ी पहाड़ नजर आ रहे भोले। जय हो भोलेनाथ जी। देखो
जितना देखो ऊपर पहाड़ी पहाड़ पहाड़ी पहाड़ है रोड पे। यहाँ नीचे संजय भोले जी खड़े हैं हमारे, जय भोले जी। नीचे ये नीचे देखिए भोलेनाथ कितना आ रहा है, जंगल है पूरा जंगल है भोलेनाथ। जय हो एक जीप आ रही है, संजय जी कैसी आ रही है मेरी वीडियो? आ रही है बोले जी। कैसा लग रहा हूँ बोले जी मैं? बोले जी। अच्छा बोले जी। वैसे लग रहा है जैसे परिवारों की वीडियो। अच्छा जी, आप कैसा लग रहा हूँ बोले जी? आप बोला लग रहा हूँ? आप बोले लग रहे हो। ठीक है, पहले सरदार जी लग रहा था? मैं महाराज जी लग रहा था। अच्छा जय बोले जी। और बोले जी ठीक ठाक हो ना? और यात्रा सही चल रही है ना बोले जी? ठीक है बोले जी। वो बढ़ा ली बोले खत्म करो, बंद करो। बढ़ा ली थी बोले बंद करो, खुश कर दो बंद कर दो बोले जी। हाँ ये चौरंगी खाल में मंदिर है, गुरु गोरखनाथ जी के चेले हैं उनका मंदिर है ये, बहुत हाइट के ऊपर है ये। अभी जब उत्तरकाशी से हम 27-28 किलोमीटर ऊपर पहुँचे तो है बिल्कुल। और संजय जी वीडियो बना रहे हैं हमारी, और संजय जी को मैं बोलूंगा ये मंदिर की जूम करके जरा इस फोटो को ले ले जरा अच्छी तरह। और थोड़ा नजदीक आके मंदिर का भी अंदर का भी ले ले। अभी जरा एक बोली है जरा उसको निकल जाने दो, बाकी इधर इधर लगा लो इतने। ऊपर धुंध का बादलों का भी ले लेना बोले जी थोड़ा सा। अब बोले जी आ जाओ जरा मंदिर का भी ले लो इधर आके। ये जो मंदिर है उसको गोरखनाथ जी के जो चेले हैं चौरंगी जी नाथ जी उनकी है ना, वो वीडियो नजदीक जाके थोड़ा सा ले लो, वीडियो बना लो इनकी। नहीं नहीं मैं ऐसे बोलता रहूंगा, मैं बोलता रहूंगा ये। उन्होंने जूम करके बना लिए पूरे की गोरख चौरंगी नाथ जी की फोटो बना ली है, वीडियो में ले ली है इन्होंने। और ऊपर से चारों तरफ कैमरा घुमा दो। हाँ बोल दिया मैंने, गुरु गोरखनाथ जी के चेले हैं चौरंगी लाल नाथ जी, इनका मंदिर उत्तराखंड में। ये धुना है जिसके धोने के बाद जा रहे हैं संजय जी, धोने की फोटो ले रहे हैं।